सो वेलकम्स ऑल ऑफ यू ए एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज का हमारा एक टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। दोनों टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ट्वेल्थ लेवल में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट और डेफिनेशन की बात करेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन होता क्या हमारा है, फिर हम आगे के फोकस आउट पे आएंगे। तो आइए हम अब डायरेक्शन कोसाइन पे आते हैं अपने। एक्चुअल में हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, इसके लिए कोई एक लाइंस की ज़रूरत होती है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इफ अ लाइन कोई भी लाइन होगी, इफ ए लाइन ठीक है मेक्स मैक्स ठीक है एंगल, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स, देखिए अल्फा बीटा एंड गामा ठीक है, ये लाइन्स यहाँ पे विथ। अब वर्ड कैसा होगा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक, ये हमने मान लिया है। देन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट, मतलब एक लाइन है जो कि कह रहा है कि लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस से वो लाइन कैसा एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल। देन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, गामा का सिंबल गामा आर कॉल्ड ठीक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन, इट इज ऑल्सो denoted by L M N ठीक है, इट मीन्स L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस ऑफ ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ये इससे डिनोट करते हैं, L M N से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब आते हैं वर्कआउट पे, इनकी वैल्यूज एंड कुछ रिलेशन के बारे में कि कॉस अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, कॉस बीटा कैसे फाइंड करेंगे, कॉस गामा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इफ ए लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा, तो हम मान लेते हैं कोई एक लाइन है इज लेट ए बी ए गिवन लाइन ठीक है, एक हमने लाइन को कंसिडर कर लिया कि ए बी हमारा कैसा है, एक गिवन लाइन है ठीक। देखिए 3D जैसे है, थ्री डायमेंशनल हमारे पास रहता है, इस तरह से वर्कआउट में रहेगा ये ठीक। ये आपका जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस तरह से हम होता है। ए बी कोई भी लाइन होगी, तो मान लीजिए हम इधर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी हमारे पास एक लाइन है ठीक है, एक ए बी लाइन हमारे पास अवेलेबल है।
लेकिन अब ये एंगल कैसे बनाएगा इस पे डिपेंड करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ओ पी, ठीक है, ओ पी पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो पासिंग थ्रू ओरिजिन ए पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, दैट इज अ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करेगा एंड एंड इट्स मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, with the axis OX, OY and OZ, ठीक, OX, OY and OZ से ये एंगल बनाएगा आपका respectively, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मतलब एक OP लाइन हम OP पॉइंट जो ऐसे ड्रॉ कर दिया जो कि पैरेलल किसके हैं, OP इज अ पैरेलल टू AB, पैरेलल AB के हैं, ठीक है, एक OP पैरेलल है, हिंदी में स्टेटमेंट या ऐसे लिख देता हूँ, OP पैरेलल AB, ठीक, विच एंगल मेक विच एंगल, देखें कह रहे कि OP मेक OX, OX एक्सिस के साथ कितना कोण बड़ा है, अल्फा, तो इस तरह से ये जो एक्सिस है ये अल्फा, ये एंगल y के साथ कितना है बीटा, और ये एंगल कितना है आपका गामा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट, ठीक। लेकिन ये P पॉइंट है तो P पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जब तक कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता हो तो हम कैसे करेंगे, तो P पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट P या एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक्स वाई जेड, x, y, z be the coordinate of P and OP is equal to R, ये हम assume कर ले रहे हैं। Then अब देखें आते हैं result पे, अब सबसे पहला then अब हमारे पास जो result मिलेंगे वो कैसे कैसे find out होंगे समझिए। जैसे OP और x एक्सिस, पहले हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं, यहाँ से इस वाले पोर्शन को मैं लेता हूँ, मान लीजिए ओ पी क्यू यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये क्या है y है, यहाँ से y तक है, तो cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ क्यू अपॉन ओ पी, मतलब ये वाई बाई आर, ठीक, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। सिमिलरली अब एक कॉस अल्फा है, मतलब इस तरह से एंगल बना लीजिए, ठीक है, जैसे ये अल्फा हो जाए, ठीक है, आपका ये ओ है, पी है और ये एक्स है, ये वाला ये अल्फा, तो यहाँ से अभी कॉस ऑफ अल्फा निकाल लेंगे, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अगर इस पॉइंट पे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, एक्स अपॉन आर। सिमिलरली कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई अपॉन आर, ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमें फाइंड आउट हो गए कि ये आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना है एक्स बाई आर है, कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू कितना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ध्यान रखिएगा इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा, x बाई आर होल स्क्वायर, y बाई आर होल स्क्वायर, z बाई आर होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये ऊपर वाली वैल्यू है आर स्क्वायर, तो दैट इज आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर विच इज द वन। इट मीन्स जो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर कॉमा की वैल्यू कितनी होती है वन, ठीक, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारा है, दिस इज, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एलिमेंट से करते हैं तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज आल्सो वन, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है ये, मान लीजिए दूसरा रिजल्ट, इसी पर हम एक थोड़ा सा पार्ट बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब अगर इसी पर हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर कामा इज इक्वल टू वन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एन प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है आपको प्रूव दैट दिस, तो इस तरह से इसका इस रिजल्ट का यूज करके हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बेसिक फंडामेंटल वर्कआउट ये मिल गया, ठीक। अब अगला हमारा जो इसमें एक पॉइंट है कि अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, कि हमारा जो एक्सिस है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस एंड व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। सिंपल देखिए इस तरह से है, बहुत ही आसान है, ये एक्स है, ये जेड है, वाई है, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है, एक्स एक्सिस मेक एंगल, देखिए सिंपल सा कि इस एक्स एक्सिस इसके साथ एंगल कितना बनाएगा जीरो, इस वाले के साथ अगर करेंगे तो कितना बनाएगा 90 डिग्री, इस वाले के साथ भी कितना बनाएगा 90 डिग्री, मतलब कि जो एज एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक, मेक्स एंगल जीरो 90 डिग्री, ठीक है, विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन कॉस जीरो कॉस नाइन्टी और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस हो गया, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो कॉस जीरो कितना होता है वन, और कॉस नाइन्टी जीरो एंड जीरो, तो वन जीरो जीरो, ठीक है, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
एक्स एक्सिस, ठीक मिल गया। तो इसी तरह सिमिलरली वन जीरो वन जीरो, ठीक, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक, एंड जीरो जीरो वन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक। तो ये तीन चीजें मिल जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन, आदर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है आपके एग्जाम में, तो आपको इस तरह से इसको करना होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे आता है कि अगर मान लीजिए हम ए और बी जो पॉइंट्स हैं, जो हमने अभी एज्यूम किया हुआ था पॉइंट, उसके बारे में हम लेंथ की बात करते हैं थोड़ा। अब दो पॉइंट्स दिए हों तो हम कैसे फोकस आउट करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट था, सॉरी इस तरह से ये, ठीक ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर ये लाइन था ए बी, ए बी, और ए और बी के मान लीजिए कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ठीक है, कि ए और बी का कोऑर्डिनेट कितना हो, दिस इज द एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक, और इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो, X2, Y2 और Z2, ठीक। तो आगे हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसके बारे में हम इसको थोड़ा सा फोकस आउट करना होगा, तब हम जा कर के आगे वर्कआउट कर पाएंगे, ठीक है। इफ X1, Y1, Z1 एंड X2, Y2, Z2, B, ठीक है, B the coordinate of point, B the coordinate of point A and points A and B, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए, ए एंड बी, एंड ए बी इज इक्वल टू आर है, ए बी जो हमारे पास है एज्यूम किया हुआ आर है, ठीक है। तो देखिए ए बी अगर आर है तो आर स्क्वायर अगर यहां से हम निकालें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना है, इम्पॉर्टेंट नोट्स में जाना है कि हम ओरिजिन ओ को, ओरिजिन जो ओ है दिस इज द, इसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, एट पॉइंट ए पर, ठीक है, वी ट्रांसफर द ओरिजिन टू ए कीपिंग द एक्सिस आर पैरेलल, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसको हम कह रहे हैं कि द जो आपका वी ट्रांसफर ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ टू ए, इस ओरिजिन ओ को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इस वाले ए वाले पॉइंट पर, पॉइंट ओरिजिन टू ए कीपिंग द एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, ओरिजिनल पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस, ठीक है, ये 11 नहीं है, दिस इज द पैरेलल का सिंबल है, ठीक है।
तो अब जैसे ही ये होगा तो देन अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम कहां पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये अब शिफ्ट होगा। ठीक है, यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा देन? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एस एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कितना हो जाएगा? दिस इज, क्यों? क्योंकि ओरिजिन तो सेम है, ये डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये कम होगी, तो सिर्फ हमें अब यहां से लेना है। ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे क्या था? एक्स वन था और ये एक्स टू था यहाँ से ओरिजिन। लेकिन अब हमें सिर्फ कितना चाहिए? ये वाली डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये शिफ्ट होगा, सॉरी यहाँ वाई है तो वाई वन और वाई टू है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वाई टू माइनस वाई वन। तो इसलिए पॉइंट जो अब ओरिजिन जैसे आप शिफ्ट कर देंगे, ओरिजिन ट्रांसफर कर देंगे, ओरिजिन ओ टू ट्रांसफर ओरिजिन टू ए एंड कीपिंग द एक्सिस पहला, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो जाएगा आपका। तो जब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया तब डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेंगे, कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी इज, तो अब डायरेक्शन कोसाइन, तो कास ऑफ अल्फा तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन आर, कॉस ऑफ बीटा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन आर एंड कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन अपॉन आर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एक आपको चीज़ समझ में आई होगी कि अगर हम लिसन, एक मैं समझाता हूँ, ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, समझ में आ रही है आपको? दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन। अब वन बाई आर इज द कॉमन कॉस अल्फा, अगर हम कह दें इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू माइनस एक्स वन है, कॉस ऑफ बीटा इज प्रोपोर्शनल टू वाई टू माइनस वाई वन एंड कॉस ऑफ गामा जो है इज प्रोपोर्शनल टू कितना है? जेड टू माइनस जेड वन होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक दूसरे इसको प्रो, क्योंकि वन बाई आर इज द कॉमन, सब में कॉमन है, एक तरह से कॉन्स्टेंट है आपका। तो इससे ये क्लियर हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हियर देयर फोर, देयर फोर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट पॉइंट ए एक्स वन वाई वन जेड वन एंड बी एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये पॉइंट प्रोपोर्शनल हो गया किसके? इस वाले पॉइंट के। यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ इसको, सो दैट इज वाई टू माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनेगा, अब हम इस पे लिखेंगे, ये क्लियर हो गया कि अगर टू पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, अनुपात प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके? उन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट के डिफरेंस के। ठीक है, समानुपाती होगा। तो अब हमें एक यहाँ पे बनेगा हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा?
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, द क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, द क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया कि आपका क्या होगा, समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पे अगर हम इस कहें कि टू पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो दिस इज द एक्स टू, ठीक है, लेट ए बी सी, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन और आर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब ए इज इक्वल टू, अगर हम कहें तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन आप कर लीजिए, सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका जेड टू माइनस जेड वन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है ये आपका। अदरवाइज एल अपॉन ए एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, फिर एल एम एन क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है आपकी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस अब स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, और डिनोमीटर्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। तो ये ऊपर वाला तो हम जानते हैं इज द प्लस माइनस, ये वन हो गया आपका, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो अब ये रिजल्ट मिल गया, तो यहाँ से हम अगर एल निकालना चाहें तो एल निकाल सकते हैं, एल वाई एम निकालना चाहते हैं तो एम वाई निकाल, सॉरी फर्स्ट लेंगे तो एल इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, एम इज इक्वल टू फिर बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। मतलब कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो गिवन देन यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियो, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। मतलब कहने का है कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो हम डायरेक्शन रेशियो को फाइंड कर लेंगे। ये एक बेसिक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन रेशियो आर गिवेन देन कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं इस पर, फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है, ऑफ लाइन पी क्यू एंड पी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका दिया हुआ है 1 -2 -3 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1 -3 एंड -2,
ये कोऑर्डिनेट सॉरी दिया हुआ है प्लस टू यहाँ पे क्यू के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो अब कैसे फाइंड आउट होगा, दो पॉइंट है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, जेड वन है, एक्स टू है, वाई टू है, जेड टू है। तो मान लीजिए कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। ओके पी क्यू, तो ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू हम क्या मिलता है, एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू कितना हमारा माइनस वन और माइनस वन, सो जीरो हो गया। ठीक, ए जीरो होगा, सॉरी नॉट माइनस वन, माइनस वन तो जीरो कैसे होगा, माइनस वन माइनस वन तो ये हो गया माइनस टू। बी इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, अब बी इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, तो हम देखेंगे बी। तो अब बी इज इक्वल टू फाइंड करना तो क्या होगा, ये वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन मतलब माइनस थ्री, और यहाँ से जैसे करेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस वन आ गया। ठीक, बी मिल गया। सी की बात करते हैं, सी बराबर हमारे पास क्या है, जेड टू माइनस जेड वन, तो जेड टू हमारे पास टू है और यहाँ पे माइनस थ्री माइनस वन। ठीक, तो ए बी सी हमें फाइंड आउट हो गया कि ए इज इक्वल टू कितना है माइनस टू, बी इक्वल टू माइनस वन एंड सी इक्वल टू माइनस वन। ए इज इक्वल टू माइनस टू, बी इक्वल टू माइनस वन एंड सी इक्वल टू माइनस वन। ये क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू। अब डायरेक्शन कोसाइन, लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, इस लाइन पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन। तो अब एल इज इक्वल टू हम जानते हैं, एल इज इक्वल टू क्या आपका प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है माइनस वन। ठीक, प्लस माइनस अगर आप छोड़ भी दे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। तो माइनस वन, सॉरी नॉट माइनस वन, दिस इज अ माइनस टू। ओके एंड डिवाइडेड बाय दिस ए स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया माइनस टू अपॉन फोर प्लस वन प्लस वन, मतलब माइनस टू अपॉन सिक्स अंडर। ठीक, एम इज इक्वल टू आप ले लीजिए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, तो दिस इज द माइनस वन हो जाएगा और फिर ये जो करेंगे तो रूट सिक्स ही आ जाएगा। और सी इज इक्वल टू आपका सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट सिक्स। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमने यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके। ठीक, अब मान लीजिए कोई एंगल दिया हो, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन टू कि लेट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेक एंगल, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेक एंगल एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री नॉट 60 30 डिग्री विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपल। तो देखिए अल्फा 45 डिग्री बीटा 60 डिग्री और गामा जो आपका है 30 डिग्री। ठीक, तो एल इज इक्वल टू क्या हुआ कॉस ऑफ अल्फा कॉस 45 डिग्री मतलब होता है वन अपॉन रूट टू। ठीक, एम इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री
60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और n इज इक्वल टू हुआ कॉस ऑफ गामा, कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल पाए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए। यदि अल्फा, यदि एंगल है, लाइन मेक्स द एंगल 30 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, सो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो छोटा सा प्रूफ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो 11th 12th के स्टूडेंट हैं, उनके में ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार, मतलब कभी क्या गया, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा रिजल्ट है। देखिए कह रहा है कि इफ़ कॉस अल्फा कॉस बीटा विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज व्हाट। तो बस एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको लिखना है, वी नो दैट मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वी नो दैट दिस इज द कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम जानते हैं। और दूसरा आप ये भी जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए बस। अब इस वाले पोर्शन में हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन को एक साथ में रख लीजिए, साइन इन सभी को, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इसको गामा सिंबल से बनाएगा 1, और देखिए 1, 2, 3 इसको लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा इधर, मतलब मिल गया आपके माइनस 2। तो दोनों तरफ माइनस है, यहाँ भी माइनस 2 है, इधर माइनस है, तो माइनस दोनों तरफ क्या करेंगे हम, कैंसिल कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट जो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये 2 हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ये प्रूफ टू लाइंस के बिटवीन एंगल क्या होगा जब डायरेक्शन द कोसाइन गिवेन हो, हिंदी में कह सकते हैं कि आप दिक कोजिया गिवेन हो तो दो रेखा के बीच कोण क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मतलब दो लाइंस, जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई लाइंस है इस तरह से, ठीक है, ओ ए बी, एंगल थीटा हमने अज्यूम कर लिया, इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 कर लेते हैं, L1 M1 N1, और इस लाइन का जो होगा आपका L2 M2 N2, ठीक, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मानना पड़ेगा, तो हम मानते हैं, लेट L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, ठीक, बी L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, और डायरेक्शन कोसाइन्स आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। लेट थीटा, ये जो थीटा हमने अज्यूम किया, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच का कोण जो है थीटा है, हमने मान लिया कि लेट थीटा एंगल बिटवीन देम, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू, इनके क्रॉस्पॉन्डिंग मल्टीपल हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन के, L1 L2 प्लस
एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ठीक, ये आपका होगा क्या द एंगल बिटवीन दैम। तो ये ध्यान आपको रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा रिजल्ट है कि cos theta इज इक्वल टू एल वन एम टू, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, जो क्रॉस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, इनका सम के साथ इनका मल्टीपल कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा उनके बिटवीन का एंगल्स। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस बनती है, पहले कंडीशंस की लाइंस जो होंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब वेन लाइन आर परपेंडिकुलर सो वी कैन वी नो दैट कि थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, सभी को पता है। तो कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो यूजिंग 1 कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, और कॉस 90 एवरी वन नो दैट वैल्यू इज 0, ठीक है, तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू बराबर 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवेन हो और उनके क्रॉस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 हो तो हम कहेंगे कि जो गिवन लाइंस आर क्या है आपके परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दूसरी कंडीशंस क्या आती है, पैरेलल लाइंस आर, ठीक, सो थीटा इट केस में क्या होता है हमारा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होता है तो पैरेलल की कंडीशन हो जाती है एल वन अपॉन एल टू इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। हम इसको प्रूफ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रूफ करने जाएंगे कि कैसे आया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा एक्चुअल में, तो इसको हमें नहीं करना है, हम सिर्फ रिजल्ट को याद रखना है कि कैसे होगा। अगर आपको प्रूफ की रिक्वायर्ड होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि एल वन अपॉन एल टू एम वन अपॉन एम टू एन वन अपॉन एन टू कैसे आया, ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होगा रेशियो, तो आपस में ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो इस तरह से आप यदि डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो एंगल को फाइंड कह सकते हैं, तो कॉस थीटा वाला प्रॉपर्टी यूज करके एंगल फाइंड कर लीजिए, परपेंडिकुलर की कंडीशंस ये हो जाएगी और पैरेलल की कंडीशंस ये हो जाएगी। इन सभी रिजल्ट का जो होता है ना यूज होता है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, तो ये हमेशा ध्यान आपको रखना है कि कब कहाँ हम यूज करेंगे इस रिजल्ट का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसका हम यूज आने वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करेंगे। सो टेक केयर। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियो गिवन, मतलब हमें फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा जब व्हेन डायरेक्शन रेशियो गिवन, ठीक है, दिक अनुपात गिवन हो तो दो लाइन दो रेखा के बीच कोण ज्ञात करना, ठीक है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो हमें डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत होगी, मतलब इस तरह से अगर टू लाइंस जैसे हमारे पास हो, मान लीजिए लाइन ओ ए ओ बी, ठीक है, इसके बिटवीन एंगल थीटा हो जाए और इसका मान लीजिए डायरेक्शन जो रेशियो है ए वन है बी वन है और सी वन है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है ए टू बी टू सी टू, तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो सिंपल सा टास्क हमारा रहेगा, हम एज्यूम करेंगे मानेंगे लेट लेट ए वन बी वन सी वन ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू, ठीक है, बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन एंड ठीक है कोई भी टू लाइन्स हमारे ओ एन ओ बी मान लीजिए जो भी है जिम के टू लाइन्स, ठीक है,
मान लीजिए ओ ए एंड ओ बी यहाँ पे हमने लिया एंड लेट थीटा जो हमारे पास ये एंगल एज्यूम किया हमने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम ठीक है मतलब दोनों के बीच का जो कोण थीटा थीटा हमने मान लिया कि थीटा जो दोनों लाइंस के बीच का कोण है एंगल है ठीक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू मतलब ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है ए वन से इनका मल्टीपल बी वन मल्टीपल और सी वन एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो है लाइंस के उनका मल्टीपल हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर रूट में ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ये होगा हमारा एंगल बिटवीन दैम तो ये ध्यान रखिएगा अगर दो लाइंस गिवन हो तो उनके बिटवीन एंगल जो हमारे पास क्या होता है जिनका डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो एंगल एंगल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू सी वन सी टू और ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर मतलब जो उनका डायरेक्शन रेशियो उनका सम ऑफ स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और यहाँ पे भी ए टू बी टू सी टू स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब दिस इज इक्वेशन वन अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती हैं दो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है लाइन पैरेलल हो सकता है ठीक है तो फर्स्ट व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर ठीक है लंबवत होने की जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी तो थीटा हमारा क्या होगा उस केस में 90 डिग्री होगा तो फ्रॉम वन अब थीटा को रख दीजिए तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर एंड दूसरे ब्रैकेट में ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हैं कॉस 90 हमारे पास क्या होता है ज़ीरो होता है पाई बाई टू ज़ीरो तो ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अंडर रूट दूसरे ब्रे हियर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ठीक है तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो सिंपल ज़ीरो मतलब हमें मिलेगा सिर्फ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू ज़ीरो तो अब ये इससे प्रूफ होता है कि यदि दो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर हो तो उनके दे करस्पॉन्डिंग जो होगा डायरेक्शन रेशियो का सम मल्टीपल का सम वो ज़ीरो होना चाहिए तब हम इसको कहेंगे कि यह परपेंडिकुलर होगा ये ध्यान आपको रखना है दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर या लंबवत होने की कंडीशन है जब वेन लाइन्स डायरेक्शन रेशियो आर गिवेन दूसरा अब when lines are parallel ठीक है lines parallel होंगे उस केस में थीटा हमारे पास क्या होता है ज़ीरो होता है ठीक है उसमें हमारे पास थीटा क्या होता है ज़ीरो डिग्री ठीक है तो उस केस में parallel होने की कंडीशन जो हमारे पास arise होती है ये होती है a1 upon a2 इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, जब व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो देन देयर करस्पोंडिंग रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियो आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये इनके डायरेक्शन रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, अनुपात जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा अनुपात, तो हम कहेंगे कि यह कांस्टेंट है, पैरेलल मतलब ये लाइंस कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई परपेंडिकुलर और पैरेलल की। अब कोई क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर, तो डायरेक्शन रेशियो आर क्या है आपका, 1-2, 1 एंड 4-3-2। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो इसी पे वर्कआउट करेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज आर 1-2, 1 इन 4-3-2। ठीक, तो देखिए इसको आप मान लीजिए A1, B1, C1, दिस इज द A2, B2, C2, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, हम एज्यूम मान लेते हैं कि थीटा उनके बिटवीन एंगल्स हैं, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो, वी नो दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर रूट में, सेकेंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आप ये वैल्यूज जानते हैं, तो बस अब इसी पे फोकस आउट करना है। तो आइए करते हैं इस पे हम, तो A1, अब देखिए A1 A2 का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल पहले, तो 1 × 4 प्लस -2 × 3 B1 B2 और फिर लास्ट में C1 C2 प्लस 1 × 2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, इन सभी का सम का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे में A2 B2 C2 इनका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 - 6 + 2 अंडर रूट में 1 4 + 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 1, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 + 9 + 4। अब देखिए न्यूमरेटर हमें क्या मिल गया, 4 6 मतलब 0 मिल गया। ठीक है, और 0 में यहाँ पे हो गया 4 5 6 अंडर 6 और ये हो गया 29। लेकिन न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमेटर सब टोटल 0 हो जाएगा, मतलब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। और 0 किसके लिए होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री का मान 0 होता है, सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। मतलब जो लाइंस है वो कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि हमारे लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक छोटा सा क्वेश्चन, फिर से दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर, फाइंड एंगल
बिटवीन लाइन हूज डायरेक्शन रेशियो आर, डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 4 एंड 3, 4, 5 ठीक, ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो अब इस पर हमें फोकस करना है, बहुत ही छोटा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वर्कआउट हमारा स्टूडेंट्स क्या रहेगा, पहला जो दिया हुआ है उसको लिखना, डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, 4 एंड 3, 4, 5 ठीक। तो आप रेज्यूम करिए, दिस इज द A1, B1, C1, A2, B2, C2 ठीक। इस तरह से हमारा होगा वर्कआउट। तो बस अब आगे कॉस थीटा आप मान लीजिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम ठीक। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, एवरी वन इज नो, A1, A2, B1, B2, C1, C2। जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपका क्लियर हो जाएगा। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट, दूसरे में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आई A1 A2 मतलब यहाँ पे तो 2 × 3 प्लस B1 B2 3 × 4 एंड प्लस C1 C2 4 × 5 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ठीक। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट, दूसरा A2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, न्यूमरेटर 6 प्लस 12 एंड प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 प्लस 16, दूसरा स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25 20, 12, 32 एंड 38 डिवाइडेड बाय 29 ही हो गया एंड दूसरे में स्क्वायर रूट में आपका लीजिए 25, 16, 16, 25 हो गए 50 हो गया ठीक है 50। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अगेन ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको सोचना होगा कि वर्कआउट हमारा रहेगा तो कैसे रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट सा टास्क, जैसे देखिए 38 अंडर रूट में ये भी आंसर हमारा सही है, लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा सा अगर सही करें, ये 29 तो है ही, 50 को आप क्या ले सकते हो, 50 को ले सकते हैं हम 25 × 2 और 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5√2 ठीक। 38 अपॉन, अब देखिए 5 को बाहर कर लीजिए और रूट टू वाली क्वांटिटी को मल्टीपल कर सकते हैं 29 × 2 स्क्वायर रूट में, तो ये हो गया 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58 ठीक। तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, कॉस ऑफ थीटा की। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो गया 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58 इम्प्लाई दैट। अब कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक। अब ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम प्रोसेस में फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हूज
डायरेक्शन रेशियो आर, डायरेक्शन रेशियो आर 12, 5, 9 एंड 3, -4, 0. ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो आपका मुझे इसको आंसर आपको इसको बताना है कि क्या होगा. डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात दिया हुआ है, तो आप उनके बिटवीन एंगल को ज्ञात करना है. इन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों के बिटवीन रिलेशन कैसे होता है. हम फार्मूले बार बार पढ़ते हैं कि क्या क्या है. हमने फर्स्ट लेक्चर में इस फार्मूले के बारे में बात की थी, लेकिन वो फार्मूला आया कैसे उसके बारे में हम इसमें जनरली फोकस करने वाले हैं. तो आइए इसके हम फॉर सॉल्यूशन पे बात करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको कि हम करेंगे. तो बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल वर्क यहाँ पर रहने वाला है. तो चलिए, और इन सभी की जो भी वीडियो हो उनकी सबकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपका एक नोट्स भी बनता चला जाएगा. ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में हमें रिलेशन फाइंड करना है. अब आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियो के. ठीक है, आपको ये पता है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है, ठीक है, जो होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्शन रेशियो के. ये तो आपको सभी को पता ही है, बट अब जो वर्कआउट है तो हम मानते हैं लेट एल एम एन, ठीक है, एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन, बी द डायरेक्शन कोसाइन एंड ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो रेशियो, ठीक है, ऑफ एनी लाइन. ठीक, ये हम जानते हैं. देन एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, ठीक, और ये कोई इक्वल क्वांटिटी हम मान लेते हैं के. इस के की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना है और वर्कआउट में लाना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, तो एल इज इक्वल टू, देखिए एल अपॉन ए इज इक्वल टू के ले लीजिए, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू के. ठीक, इसी तरह अब हम दूसरा ले लेंगे, एम बाई बी इज इक्वल टू के, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू के, और n बाई सी इज इक्वल टू के, इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू सी के. ठीक, ये वैल्यूज यहाँ से हमें मिल जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट वर्कआउट में हम इसको यहाँ पे फोकस कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए अगला रिजल्ट हम जानते हैं, वी नो दैट एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको कि ये रिजल्ट होता है, तो अब इनकी वैल्यूज को रख दीजिए आप, ए के का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो अब ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू वन. के स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. के स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट अंडर रूट दिस. अब तो के इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, फिर के इज इक्वल टू हम निकाल लेते हैं. तो यहाँ से देखिए k इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक, और ये हमने माना नहीं है, तो इन सबको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, बट पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन टू, और आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है,
putting the value of k in 2, equation number 2 में हम value को put up कर देंगे, ठीक है। तो 2 में put up करने के बाद जो result हमें मिलेगा उस पर हम focus कर लेंगे। देखें तो 2 में put up कर लीजिए तो L is equal to क्या मिल जाएगा, plus minus a है, k की value ये है, तो a upon a square b square plus c square under root, ठीक। इसी तरह m भी निकाल लेंगे, m is equal to क्या हो जाएगा, plus minus b upon a square b square plus c square under root, and c is equal to plus minus c upon a square plus b square plus c square। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आपने हमने फाइंड कर लिया जब वेन डायरेक्शन रेशियो इज गिवन। तो ए बी सी क्या है, आपके डायरेक्शन रेशियो है, और एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एन ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोस। तो ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि एल इज इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू क्या है, और नॉट सी हियर, ये मिसिंग हो गया है, यहाँ पे एन है, ये एन इज इक्वल टू दिस एल एम एन, तो एन इज इक्वल टू दिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा हमारे पास रिजल्ट, ठीक। मतलब कहने का ये हो गया कि यदि एल बाई ए एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी और इज इक्वल टू के माना था, तो ये हमारा प्लस वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी एक रिजल्ट है, इसी से वर्कआउट। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का। अब इस पर क्वेश्चन भी हो सकता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, कभी कभी पॉइंट दिया है तो फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट दिया हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम इस पे रिजल्ट पे बात करते हैं। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, ऑफ द लाइन लाइन हूज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो आर, डायरेक्शन रेशियो आर 2, 3, 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब दिक कोज्या ज्ञात करना है जिसका दिक अनुपात दिया हुआ है। हिंदी में आप कह सकते हैं कि फाइंड दिक कोज्या ज्ञात करिए जिसका दिक अनुपात 2, 3, 4 है, ठीक। तो देखिए अब वर्कआउट में एम ही लेना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, कोई भी लाइन होगी उसके बारे में पता नहीं है। तो अब डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो ए बी सी ये आपको दिया है कितना, 2, 3, 4, ये डायरेक्शन रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आर, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं आप, डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, 4 है, लेकिन जे ए बी सी इस तरह से लिख लिया। अब डायरेक्शन कोसाइन, तो वी नो दैट
डायरेक्शन कोसाइन, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ये आपको पता है। तो ए क्या है, प्लस माइनस टू हो गया, बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर रूट, प्लस माइनस टू अपॉन फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, कितना हो गया अंडर रूट, तो टू अपॉन अंडर रूट हो गया 29। ठीक, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल। इसी तरह एम की वैल्यू निकाल लीजिए, एम इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वैल्यूज होती है जिसको कि हमें यहाँ पर रिजल्ट को लेना है, फोकस करना है। तो अब देखिए बी हमारे पास क्या है, आपको पता है, प्लस माइनस बी हमारे पास है थ्री, और फिर डिनोमेटर में तो सबका ये 29 ही आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब में कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा 29। इसी तरह एन इज इक्वल टू क्या है आपका, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये हमारे पास सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो अब रिजल्ट आपका ये फाइंड होगा, सी मतलब फोर, तो फोर डिवाइडेड बाय यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट में 29। तो इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो होमवर्क, एक होमवर्क आपका है डायरेक्शन रेशियोज आर माइनस 12 6 माइनस 9 फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन को आप फाइंड आउट करिए और आंसर जरूर बताइएगा, बट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम्स है। यहाँ मेन इम्पॉर्टेंस क्या होता है, इक्वल एंगल विद द एक्सिस से जो वर्कआउट है, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हमारे पास बनता है। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, मतलब एंगल जो है इक्वल एंगल है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि लेट द लाइन मेक, ठीक है, लाइन मेक्स एंगल एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है, विथ विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इससे होगा एक्स एच वाई एक्स एंड जेड एक्स से एंगल बनाता है रिस्पेक्टिवली। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच मेक इक्वल एंगल, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, गिवन हुआ, इट मीन्स ये कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर कॉस ऑफ गामा, ठीक, के बराबर आपके होंगे यहाँ से सिंपल। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर हो, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एल एम एन से भी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ स्टेटमेंट लिखे वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वन, आपस में बराबर सभी हैं, इसके जगह एल स्क्वायर हो जाएगा वन, थ्री एल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इम्प्लाई दैट एल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री, या एल बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो एल जो निकल गया वन प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आर, तो कोसाइन आर के एल एम एन है आपका, एल एम एन, तो एल एम एन आपको फाइंड आउट हो गया पहले से ही, एल आपका क्या एक ही सब बराबर ही होगा, प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री
प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो इस तरह से हम ये डायरेक्शन कोशाइन हम फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा रिजल्ट।